हाय स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एडुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चालू करेंगे नंबर क्वेश्चन 13 नंबर, जो 12 तक हो चुका था। आज हम चालू करेंगे 13 नंबर। 13 नंबर देखो, 1/1/2, 1/3, 1/4, डॉट डॉट डॉट, 1/3, इस तरह का क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। लास्ट टाइम दिया हुआ, लास्ट टाइम देने से कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, ठीक है। 13 नंबर देखो, उस तरह लिख दिया गया LHS 1/1/2, 1/14 कर दिया, 1 हो गया, 1/2/1/2 यानी P12 हो गया, P12 PK1 इक्वल टू ले लिया, एन इक्वल टू के, उस तरह इसमें क्या किया, जस्ट बैठा दिए एन का जगह के, तो यहाँ पर कि इस तरह का ट्रू है वाला, PK+1 लेना पड़ेगा। बस इसमें क्या करें, वैल्यू हम अपना हम पुटिंग कर दिए। पुटिंग करने के बाद ये इस तरह का 1/k आया। अब इसकी ये लिखा गया तो इसका आगे टर्म यही वाला होगा, आगे टर्म लिख दिया, इसका जगह पे क्या, जस्ट जो फॉर्मूला था ये लिख दिया गया। अब जो जैसे था वैसे करके रख दिया गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जस्ट सॉल्व करेंगे तो ये कट के इतना आया। RHS में बैठा थे, अभी क्या K+1 में बैठा थे, दोनों सेम हो गया। इसका मतलब तुम इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, 1/1+2, 1/1+2+3, डॉट डॉट डॉट, इस तरह का करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। इस तरह 1/1/2 लिखा गया, ठीक है। P1 ले लिया, 1 इसमें पुटिंग कर दिए, एन का जगह 1 हो गया, एक फर्स्ट टर्म लेने से हो जाएगा, 1 ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें बैठा दिया, इसमें बैठा दिया, हो गया PK2 है, एन इक्वल टू के, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें भी लास्ट टर्म सही से नहीं था, दैट्स व्हाई इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। PK1 बैठा है, फिर 2K+1 आया। इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी आता नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन से आता है, दैट वो डिविजिबल वाला ही आता है। 1/1+2, 1+3, डॉट डॉट डॉट, इस तरह K+1, K+1 है तो ये वाला आगे का टर्म क्या होगा, के टर्म होगा, बस इसका आगे टर्म यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ लिख दिया गया। अब जस्ट लास्ट जो बचा वो लिखे। अब इसमें देखो, 1+2+3 डॉट डॉट K+1 है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल नंबर का, N/N+1/2 को मालूम है, तो N का जगह K+1 बैठा है, N का जगह K+1 बैठा, तो ये आ गया ये वाला, यानी ये वाला होना चाहिए इसका, ठीक है। अब इसको क्या किया, जस्ट ये नीचे में है तो पलट के लिख दिया गया 2/K+1 K+2, ठीक है। अब पुटिंग कर दिया गया, कॉमन ले लिया गया, तो ये वाला क्या, K+1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेके ये वाला इतना आ गया, ठीक है। यानी अब जो है तुम्हारा, अब इसको हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे तो कैसे होगा, RHS में उस तरह पुटिंग की तो ये वाला उस तरह आ गया, यानी K+1 2 है, ठीक है, ओके। उसका तो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर सेम उसी तरह का ही है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जो बनाए थे, वेरी शॉर्ट का 4 नंबर क्वेश्चन के बराबर है, वेरी शॉर्ट का 4 नंबर क्वेश्चन के बराबर, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सेम के बराबर, दैट्स व्हाई स्कोर नहीं बना रहे, ठीक है। अब जो हम लोग उसके बाद चलते हैं, ये वाला इस तरह का डिविजिबल वाला ही ज़्यादातर क्वेश्चन देता है, 2/31 डिविजिबल बाई 7, ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजी भी है, उसको तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि टाइप का समझ में आ जाएगा, ठीक। लेट ले लिया P1 लिए तो क्या, उसको पुटिंग किए, 10/7 यानी P1 इज ट्रू। अब P1 के तो इक्वल टू के लिए, जैसे P7 जैसे P7 मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग, पता है 7 लामड़ा लेते हैं, लामड़ा लिया इसको उस तरफ लिए, बस अब PK+1 लिए, K+1 लिए तो इसका जगह क्या, 2K 2/3 का वैल्यू, इसको जस्ट पुटिंग कर दिए, इसको इंटू कर दिए, इतना कि 7 कॉमन है, मतलब क्या 7 से डिविजिबल है, अगर 7 से डिविजिबल है मतलब PK+1 ट्रू, और K+1 स्टेटमेंट ट्रू। इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा एक डिविजिबल वाला ही आता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 4n+15 में मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल मतलब डिविजिबल वाला ही होता है, ठीक है। देखते हैं इसको, तो इसको लिख दिए 4n+ में इतना मल्टीपल ऑफ 9, यानी P1 लिखा, इसका जगह n का जगह 1 बैठा दिए, तो 18 आ गया, मल्टीपल ऑफ 9 मतलब 9 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 9 लिखा, PK1 ट्रू, PK2 n इक्वल टू, इसका जगह बैठा है तो 9 आया, 9 अब आया तो इसको क्या कर, जस्ट इसको हम लोग फिर उसी तरह जैसे इक्वल टू 9 नंबर एड कर लिए, तो ये सबको उस साइड लगे, यानी 4 इक्वल टू इतना, इस तरह इसको भी K+1 लिए, K+1 बैठा है, तो जो चीज़ है इसको अलग करके लिखे 4K, और 4K का जगह इस पहले को जस्ट पुटिंग कर दिए। पुटिंग करने के बाद, फैक्टर करने के बाद, जो भी उन्टू टू करते ये वाला चीज़ आया, लेकिन ये तो हमको इस तरह से सेटिंग करना है। सेटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 9 कॉमन ले देना, इतना आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो मल्टीपल ऑफ 9 है, 9 है मतलब PK+1 इज ट्रू, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, 2×7×9+3+5n-5 है, ये डिविजिबल 24, ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है। 18 तो 2×7×9+3+5n-5 है, उसी तरह हम लोग क्या किया, 7 पुटिंग किया, 24 है, यानी 24 जो डिविजिबल है, यानी P1 ट्रू है, अगर P1 ट्रू है तो PK1 ट्रू है, यानी इक्वल टू K का पुटिंग किया, यानी डिविजिबल 24, उस तरह K+1 है, उसके जगह बैठा दिया, इसलिए 24 लंबड़ा लिए। अब P2 से कुछ K+1 पुटिंग किया, K+1 पुटिंग करने के बाद क्या, जो था इसको अलग किया 7K, ये 14 अलग करके लिख दिए, 7K का जगह ये जो पूरा का वैल्यू है इसको अलग से यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये देखो तुम ठीक से, इस पूरे का वैल्यू जो है, इस पूरे को 24 लामड़ा था, डायरेक्ट लिखा जा सकता है, इसका जगह 24 लामड़ा लिख दिया गया, तोड़ के लिख दिया गया, ये 14 14 जो 7 जो था ना, 7 14 क्या क्या हम लिख दिए, एक तो यहाँ पे 2K लिख दिए, यहाँ 12 12 7K लिख दिया गया, ठीक है। उस तरफ 3 तो यहाँ 15 को था, यहाँ 3 ठो लिख दिए, यहाँ 12 ठो लिख दिए,
एडजस्ट एडजस्ट लो माइनस लग, जैसे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसको सेटिंग हो गया, ये वाला यहाँ पे ला के लिख दिए, ठीक है। आप इसके जैसे चाहे इसमें कॉमन ले लिए 12, तो इतना आ गया। अब 7 के 5 पे जो ये तो इवन इंटीजर है वो पता है, दो इवन इंटीजर जब अगर जोड़ता है तो क्या होता है, 2k आता है, ठीक है। तो 7 5 12 मतलब क्या ऑड नंबर, इवन नंबर आ जाता है, दो ऑड नंबर जुड़ने से, दो ऑड नंबर जुड़ने से हम लेफ्ट मान लिया 2k है, 24 जो भी हम सबको किससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो क्या करें, जैसे 24 लेना था 24 ले लिए, ठीक है, 12 आ गया, क्योंकि दो ऑड नंबर, ऑड नंबर जुड़ेगा हमेशा क्या होगा, इवन नंबर ही आएगा, जैसे 7 5 12 मतलब 12 ही आएगा, 2 into something आएगा, दैट्स वाई इसको ऐसे ले लिया गया, ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें क्या करना था, इसी तरह जस्ट उसको स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। 19 नंबर क्वेश्चन, परपिन 2n-1+1 डिविजिबल 6, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, डिविजिबल टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। मैंने 2n+1 डिविजिबल 16, 2n+1 लिखा है 69 डिविजिबल 16, P1 is true, यानी n इक्वल टू k लिए, जस्ट डिविजिबल 16 तो इसको कॉमन ले, उससे 15-1 था नीचे लिख दिया, 15 में कॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 की जगह इतना वैल्यू आएगा। उस तरह PK+1 लिए, P+1 इसको लिखे तो इतना आया, तो इसको क्या 2k था, जस्ट इसको अलग करके लिख दिया, इसका जगह बेस्ट पहले इसको पुटिंग कर दिए, अब इंटू करते कि अलग चीज़ आएगी, इसको कैसे इसमें कौन है, डिविजिबल 16 है, K+1 is true, ओके। 20 नंबर क्वेश्चन, P+1+25n-1 डिविजिबल 13, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो 12n+25n-1 डिविजिबल 13, अब इसका बैठा है इनका जगह 1 बैठा दिए तो 12, यानी P1 is true, क्योंकि ये 12+1 यानी 13 हुआ, 13 मतलब डिविजिबल 13 है, यानी P1 is true है। PK = n = k लिए, फिर उस तरह PK लिए, मारा के बैठा है, जस्ट उस तरह सेम क्वेश्चन से इसी तरह लेते गए हम, आगे बहुत सारा क्वेश्चन किए, जस्ट इस तरह है, मारा के 13 लामड़ा पर पुट कर दिए, बाकी सब किस साइड लेके, K+1 पे पुटिंग कर रहे हैं, बस इसको अलग करते जाएंगे, और सेम क्वेश्चन सर है, जस्ट इसको लिखे, इसको अलग करके लिखे, 12 की जगह वैल्यू बैठा दिए, बस उसको कैल्सियम लिए, इंटू करके मेरा इस तरह का आया, अब जैसा आया हमको उसे तोड़ना चाहिए था, उसे तोड़ के लिख दिए, कॉमन यहाँ से कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद चीज़ छुआ गया, अब यहाँ से क्या 13 13 चाहिए था, 13 कॉमन ले दिए, बस 12 जो बच गया, 13 कॉमन मतलब ही तो डिविजिबल हो गया, ठीक है, ओके। अब इसमें दोनों बनाने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से चलते हैं, 1 5 10+2 डिविजिबल 5576, ये भी लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम आगे की ओर बढ़े, 5 10+2 24n-25n डिविजिबल 576, इसको करना होगा, इसमें उसी तरह 5 10+2 डिविजिबल 576, P1 लिए पुटिंग के 576 मतलब 576 डिविजिबल है, इसका मतलब P1 is true, अगर तुम्हें PK is true है, n = k, अब उसी तरह PK लिए, PK डिविजिबल 576, अब इसको तरह लिख दिए, लेट 576 तो लग दिए, इसको जस्ट उसको सब उस साइड लगे, यानी इसका अवेलेबल आया, अब इसको K+1 लिए, K+1 जगह लिखते गए, K+1 k का जगह इनका जगह बैठाते गए, सॉल्व करते गए, अब इसको तोड़ के लिखे, 5 2 का अलग के, इसको इसके जगह जस्ट ये 25 था, 25 और ये वाला इसको लेकर इसको पूरे का वैल्यू यहाँ पर पुटिंग कर दिए, जस्ट क्रॉस इंटू कर दिए, जो आ गया 576 कॉमन ले दिए, किसी तरह 576 कॉमन लाना है और क्या, तो PK+1 is true हो गया, ओके। 2 नंबर क्वेश्चन, 10 10+3+1+2 5 ये डिविजिबल 9, इसी तरह क्वेश्चन है, जिस तरह ले लिए, दैट्स वाई क्या करना था इसमें, 10 10+3+4 डिविजिबल 9, P1 = 10 पुटिंग कर दिया, इनका जगह 207 है, तो 7 मतलब 9 से डिवाइड होता है, देखो 27 ये डिवाइड होने, यानी क्या डिविजिबल 9 है, P1 true, लेट PK is true एन इक्वल टू के लिए, इसको भी इस तरह 9 डिविजिबल 9 लामड़ा पुट किए, बस 10K बाकी सब कुछ साइड लिख दिए, सेम उस तरह क्वेश्चन 10K+1 लिखते गए, ठीक है, K+1 लिखने के कारण आगे जाके वो क्या हो गया, जब कॉमन मतलब इसका जगह 10K जगह आगे जो पुटिंग कर दिए, आप इंटू करके सब लेके आए, कॉमन ले दिए, तो चीज़ आ गया 9 कॉमन, यानी PK+1 true, अगर K+1 true है मतलब स्टेटमेंट भी ट्रू है, ओके। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 4n+1 2n+2 मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल वाले पहले करा चुके हैं हम, देखो 2n+7 P1 लिए 259 मतलब 7 से डिविजिबल है, यानी P1 true है, लेट PK is true एन इक्वल टू के लिखे, यानी 7 हो गया, यानी इसको फिर 7 लामड़ा ले लिए, बस सेम क्वेश्चन आइए लिखते गए, अब इसका जगह 2K+2 का लिखना था, इसको कैसे लिखे, यहाँ से 2K+2 2K की जगह क्या किया, अलग कर दिया, 2K जगह लिख दिया गया, पुटिंग कर दिया गया, 2K+2 था जगह, बस इसको अभी इंटू किया, इंटू करके बुलाया, जस्ट अलग अलग लिखे, इसमें 4 4 के जस्ट कॉमन ले लिए हम, अब कॉमन लेने के बाद जस्ट कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, उस चीज़ को सॉल्व करते गए, यानी K+1 is true हो गया, ठीक है, ओके। इसके लिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 4n+1 डिविजिबल 64, उसी तरह क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, उसी तरह ले लिए डिविजिबल 44, इस तरह 1 पुट किए 64 आ गया, डिविजिबल 64 यानी P1 is true है, PK लिखे मैंने n = k, ठीक है, अब n = k लिए तो इस तरह लिख दिए,
आप सी के प्लस डी बिले फोर यानी जितने से 64 डाल दिए, यानी 64 डिग्री सबको बाकी सबको इस साइड लिया है। ओके, उसका जब के प्लस वन पुटिंग की, के प्लस वन पुटिंग के यहाँ तक इसका इसका थ्री के प्लस की जगह वैल्यू वैल्यू थोड़ा पुटिंग कर दिए, बस इंटू करके यहाँ लिया 64 कॉमन ले दिया, 64 डिविजिबल यहाँ स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, कहते सेवन 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 डॉट सेवन, इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, इसको देखते हैं तो क्या करना था, सेवन 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 डॉट डॉट लिख दिए। ठीक है, क्या क्या सेवन 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 एन प्लस जैसे लिखना से लिख दिया गया, पी वन लिखे यानी सेवन यानी फर्स्ट टर्म एन था, एन लिख दिया सेवन, इसका जगह पुटिंग की तो सेवन आया, इसका मतलब अच्छे से आया जस्ट प्रूव करते हैं पी वन इज ट्रू है, अगर ट्रू है तो पी एन के ले लिए, पी के सेवन 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 डॉट डॉट सेवन इतना इतना हो। अब पी के प्लस वन के लिए जब लिखने गया तो देखो यहाँ पे सेवन 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 था, के प्लस वन टर्म था, इसको तोड़ के क्या लिखे, तो के टर्म इधर बाकी जो टर्म था इस साइड लिखे, बाकी जो टर्म मतलब के प्लस वन टर्म क्या खाली सात 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 कर बच गया, के प्लस वन टर्म तक बच गया, इसका जगह तो खैर लिख दिया गया, लेकिन सात 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 इसका मतलब सेवन इंटू टेन का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 के प्लस वन टर्म तक था। अब इसमें सेवन कॉमन लेना मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया वन जस्ट वन प्लस टेन प्लस टेन, वन इंटू टेन ये टेन था। ठीक है, तो ये हो गया कि उस वन वन के बाद प्लस टेन प्लस इंटू प्लस टेन इसको डॉट डॉट करके के प्लस वन टर्म तक है। यहाँ तुमको पता है जो सीरीज है ये तुम लोग को पता है कि हम लोग जी पी वाला फॉर्म में किए थे, ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन जी पी हम करवा रहे हैं अभी थोड़ा देर में, उस तरह का वैल्यू कितना वन है, आर एन आर मतलब कितना टेन का सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी कितना टेन ही है, यानी आर का जगह टेन बैठा टेन के प्लस वन टर्म है, के प्लस वन लिख दिया फॉर्मला बैठा ये ला गया। अब इसमें क्या किया जस्ट सेवन एट्टी सेवन एट्टी वन लिख दिया गया इसको चीज से, अब इसको इसका जगह जब पुटिंग करते सेवन एट्टी वन कॉमन ले लिए लिख दिया तो नाइन यहाँ पे इंटू हो गया, इंटू हो गया तो सॉल्व करिए वाला आ गया फिलहाल। ठीक है, सॉल्व किए हैं हम, सॉल्व करते गए हैं तो इस चीज़ को क्या हो गया फिलहाल ये इतना दूर तक आया हुआ है। अब इसको क्या करना है, इसमें जस्ट आर एच एस में स्टर प्रूफ किया तो स्टर प्रूफ करके प्लस वन पुटिंग करते यानी ये भी उसके बराबर आ गया, इसका मतलब क्या के प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, ओके आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके थैंक यू।